हमीरपुर उद्यान विभाग की HP शिवा परियोजना प्रबंधन इकाई हमीरपुर द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेश परमार उप निदेशक उद्यान ने की। कार्यक्रम में सामुदायिक बागवानी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्य, शिवा परियोजना के लाभार्थी, बागवानों तथा बैंकर्स ने हिस्सा लिया। सहकारी समिति का उद्देश्य बागवानों की सहायता के लिए संयुक्त मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम में उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा विपणन से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि समिति के समस्त सदस्य विभिन्न उत्पादों का प्रसंस्करण मूल्य वर्धन में विपणन समिति के माध्यम से करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर किशोर नोटियाल, टीम लीडर CHPMA डॉक्टर नरोत्तम FT, बैंक तथा सहकारी समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर राजेश परमार ने कहा कि समिति द्वारा शेयर पूंजी तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध धनराशि का उपयोग सदस्य से उत्पादों को क्रय करने हेतु किया जा सकेगा। समिति द्वारा इन उत्पादों को सीधे अथवा मूल्य वर्धित कर बाजार में संबंधित विक्रेताओं से व्यापारिक संपर्क स्थापित किया जाएगा। परियोजना के माध्यम से समिति को उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन तथा विपणन में वित्तीय तथा भौतिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना में वित्तीय सहायता के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लीड बैंक के तौर पर कार्य कर रहा है। शिवा में अगर मैं पूरे हिमाचल की बात करूं तो 7 जिलों में हम इस परियोजना को चला रहे हैं और हमीरपुर जिला जो है वो उस हमीरपुर जिला के सारे ब्लॉक्स जो हैं अभी इस परियोजना में हमने सम्मिलित किए हैं और लगभग 100 हेक्टेयर के एरिया के अंतर्गत जो है वो हम बागवानी कर चुके हैं और आने वाले जो हमारा 4-5 सालों का टारगेट वो ये है कि 500 हेक्टेयर में जो है वो हम क्लस्टर के माध्यम से बागवानों को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। कि हमारे फ्रूट्स के बायर्स कौन हैं, क्योंकि हमारा बागवान जो अभी तक संगठित नहीं था, वो छोटे स्तर पर बागवानी कर रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने क्लस्टर के रूप में कम जो है वो 10 हेक्टेयर का क्लस्टर और जिसमें 15 से 20 बागवान इकट्ठे होते हैं उनको संगठित किया है और जो इन फलों के खरीदार हैं उनको इस एक प्लेटफॉर्म पे ला के बागवानों के साथ उनकी इंटरेक्शन करवाई जा रही है ताकि जो वो फल पैदा करें उसको उनमें बेचने में उनको कोई भी कठिनाई ना आए।